हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ टेक गुरु सौरभ हिंदीजाल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप किसी भी व्हीकल्स का जो है चालान डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस आप क्या रहेगा, उस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी पेमेंट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है वो आपको बताऊँगा। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में है, वेरीफाई कैसे करना है तो वो भी आपको बताऊँगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू ब्राउज़र लिखना है और वहाँ पर लिखना है ई चालान, सर्च करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको जो है पे ऑनलाइन में क्लिक करना है। पे ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे तीन तरीके से सर्च कर सकते हैं, ई चालान, जो चालान नंबर के द्वारा, व्हीकल्स नंबर के द्वारा और डीएल नंबर के द्वारा। तो अगर आपका चालान जो है चालान नंबर आपके पास है तो आप जो है चालान नंबर द्वारा सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास चालान नंबर नहीं है तो सबसे आसान जो है आप व्हीकल्स नंबर द्वारा चेक कर सकते हैं। जहाँ पर आपको जो है व्हीकल्स नंबर ऐड करना होगा, व्हीकल्स नंबर ऐड करने यहाँ पे आप जो है चेसिस नंबर या इंजन नंबर कोई भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जो भी आपको कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा ऐड करेंगे, उसके बाद गेट डिटेल्स में क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पर ऐड करना है। ओटीपी ऐड करने के बाद सबमिट में क्लिक करना है। ओटीपी ऐड करने के बाद जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है नीचे आपकी जो भी पेंडिंग पेमेंट होगी वो दिखाई देगा। अगर आप चालान को डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली जो है इस आइकन में क्लिक करेंगे और आपका जो चालान डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप जो है सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है चालान डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर एक चालान की डिटेल प्रॉपर अलग अलग तरीके से दी हुई है, कौन सा चालान कितने का है। चलिए आगे का स्टेटस चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है पेमेंट वेरीफाई, तो जैसे आप पेमेंट वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेमेंट वेरीफिकेशन इस प्रोसेस क्लिक क्लिक द ओके बटन, आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई यहाँ से हो चुकी है कि अभी ये फेल है। ये अभी देखेंगे कि जैसे ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि आपकी पेमेंट जो है फेल है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आपको एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर में आपको फ़ोन करना है और उनको बोलना है कि हमारी पेमेंट जो है पेमेंट की ट्रांजेक्शन पेंडिंग है उसको वेरीफाई करना है। तो वो अपने हैंड से इसको पेमेंट को वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई होने के एक घंटे बाद आप जो है पेमेंट को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।